बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक मोटर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवो रेसर की कि डेवो रेसर को बनाने में टोटल कितना ख़र्चा आता है। अभी आपके सामने ये डेवो रेसर गाड़ी खड़ी है और ये फ्रेश इसका पेंट हुआ हुआ है, आप पेंट देख सकते हैं इसका। तो अभी हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस गाड़ी को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, इसके डेंट पेंट पर कितना ख़र्चा आता है, इसके अलावा इसके जो वायरिंग वगैरह हैं, क्योंकि अंदर से जो आप गाड़ी अब अगर देखें तो वो भी बनाने वाली है। देखें ये वायरिंग का थोड़ा सा है, डैशबोर्ड इसका बहुत बुरी हालत में है, डैशबोर्ड भी इसका चेंज होगा। उसके अलावा पोशिंग पे भी काम है, इलेक्ट्रिशियन का भी काम है और शायद मकैनिक का भी काम हो, लेकिन मकैनिक के काम हम स्किप करेंगे क्योंकि हमने बॉडी को डिस्कस करना है इसके। और बाकी तो अभी हम ये पेंटर से पूछते हैं कि इसकी पेंट पे कितना ख़र्चा है और इसके अलावा और भी इसकी कॉस्ट लेंगी। तो ये आप गाड़ी पहले एक नज़र देख लें तफसीलन। पेंटिंग का काम हमने करवा चुके हैं, ये हमने आज पेंटिंग की है इसके ऊपर, ये पेंटिंग की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। डैशबोर्ड अभी इसका बदली करेंगे, इसका भी टोटल जो एस्टिमेट लेते हैं हम कि कितना खर्चा आएगा। तो चलिए इसे बात करते हैं, ये अभी पेंट बना रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शीशे गिलास हमने ये भी पेंट किए, सेम कलर में करेंगे ये मैचिंग कलर होंगे सारे। ये जो आप भी देखें, ये बम्पर में थोड़ा सा काम रहता है, ये भी होगा, बम्पर भी पेंट होंगे, मैचिंग करेंगे सारे कलर, एक ही कलर होगा बम्पर। तो मकसद ये है कि इस गाड़ी पे जो आपको नज़र आ रही है डेवो रेसर, इस पर कितनी कॉस्ट आती है, पुरानी गाड़ी है, इसको जब आप नई बनाना चाहें तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो पूछते हैं इनसे जी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें ये पेंट का सामान है, ये पेंट अभी बना रहे हैं। तो बताइएगा कि इसके पेंट पे कितना खर्चा आएगा आपकी? भाई इस पे पेंट पे खर्चा आ जाता है कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है भाई। अच्छा, और ये पेंट की टाइप कौन सी होती है? वो पेंट कौन सा कलर का है? टू के कलर को होता है, जैसे कंपनी वाला कलर होता है ना भाई, वो वाला होता है। ठीक है, टू के कलर है। एक सीकर कलर होता है, उसका क्या दाम है? उस एक चीज है, क्वालिटी में फर्क है, कंपनी में जो सा फर्क होता है, चीज एक ही होती है। अच्छा, क्वालिटी में फर्क? हां, क्वालिटी में फर्क होता है। तो अभी तक आपका कितना खर्चा आ चुका है इस पे? पेंटिंग पे इस पे 35,000 रुपए खर्चे आए थे, डेंटिंग को छोड़ के, बाकी छोटे मोटे काम छोड़ दे, डेंटिंग का काम छोड़ दे, मैकेनिकल का काम छोड़ दे, पोशिंग वायर्स का काम छोड़ दे। अच्छा, डेंटिंग पे कितना खर्चा? डेंटिंग पे कम से कम 40,000 रुपया खर्चा है। 40 डेंटिंग का हो गया और 35 पेंट का हो गया। पुराना रंग इस पे उतार के फिनिशिंग करके तो फिर इसके ऊपर जो है नए मटेरियल लगते हैं तो नए काम। अभी इसमें और कोट लगेगा पेंट का? नहीं, इस पे फिनिशिंग फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका अभी, फाइनल रंग है जी, कटिंग पॉलिश लगेगी, पॉलिश होगी। अच्छा, और 40 डेंट का हो गया और 35 पेंट का हो गया, मतलब 75 ये हो गया। इसके अलावा वायरिंग में तकरीबन 8-10 हज़ार आ जाते, 10,000 रुपये वायरिंग पे आ जाते और 15,000 रुपये पोशिंग वायर पे आ जाते, 25 ये हो गया तकरीबन। इसी तरह कोई स्पेयर पार्ट का सामान आ जाते तो ना करते 1.5-1 लाख रुपए खर्चे इस पे आ जाते कंप्लीट मैकेनिकल वाइज छोड़ के। ये भाई ने माशाल्लाह पेंट अच्छा किया है। अब इसमें ये देखें, ये जो डेंट का कह रहे हैं खर्चा, ये तकरीबन 40,000 का इस पे खर्चा था। अब डेंट नामने को हमने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो काम ऑलरेडी उस पर हो चुका था। और पेंट अब देखें, पेंट बहुत ज़बरदस्त किया है माशाल्लाह उन्होंने, और अभी ये इनको फिनिशिंग करनी है उन्होंने। पेंट अभी ताज़ा इन्होंने डाला है और अभी सिर्फ उनके वो जो साइड मिरर है वो कर रहे थे। इसके अलावा इस पर जो वायरिंग का खर्चा है वो तकरीबन 10,000 का है और बाकी पोशिंग का है, जो सीट कवर्स वगैरह जो भी है उनको बनाना है। अगर सीट्स थोड़े से बुरी या माड़ी हालत में है तो वो उसको सही करेंगे और इसकी पोशिंग करेंगे। तो उसके साथ मैकेनिकल काम को छोड़ के तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा है। अभी इंजन इसका ओके है? ओके, इंजन वगैरह ओके है, मैकेनिकल काम इतना नहीं होगा। और टायर भी ठीक ही है, या टायर की हालत आप देख लें? टायर तो वो डिपेंड करता है कि आप चेंज करवाना चाहिए नहीं। तो तकरीबन इस गाड़ी पे जो नॉर्मल, अगर इसके अलावा भी गाड़ी बनानी हो ऐसी जो डेवो मतलब आम हालत में, तकरीबन 1.5 लाख से 1.5 लाख का खर्चा आता है। लाख से 1.5 लाख का खर्चा है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन इस मैचिंग में हो जाएगा, हो जाती है। मतलब अगर आपने पोशिंग, ये डैशबोर्ड इसका, इसकी वायरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग ये सारी करवानी हो इंजन या मैकेनिकल काम को छोड़ के, तो तकरीबन आपका 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा इस गाड़ी पे। और गाड़ी इंशाल्लाह आपकी ऐसे बनेगी। तो ये भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान नाम है। ये इमरान साहब हैं, पेंटर हैं, ये गोरी टाउन में ही होते हैं। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? नंबर ऊपर
बोर्ड लिखा हुआ है। ये जनाब इनकी शॉप है, ये इनका नंबर है, बिस्मिल्लाह आर्टोज डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप के नाम से चैंपियन पेंटर हैं जनाब। इन्होंने कोई अवार्ड भी आई थिंक लिया हुआ है क्योंकि चैंपियन के नाम से कहलाए जाते हैं। और अपने तो बस नाम में जो होता है, हाँ ये वो उनके नाम की गवर्नमेंट बनी हुई है इसलिए कह रहे हैं। तो ये देखिए पेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, बस इसको अभी वो क्या करेंगे, वो कटिंग पॉलिश करेंगे। हाँ कटिंग का पेपर लगाएंगे, कटिंग लगाएंगे बाप के साथ तो पॉलिश होगी बिल्कुल, इससे ज़्यादा शाइन होगी, जैसे कोटिंग कह सकते हो आप। माशाल्लाह ये तो अभी भी इस तरह शाइनिंग, इसके ऊपर कोटिंग होगी, कोटिंग कोटिंग अभी देखें ये, अभी इसके बाद कोटिंग जब होगी तो उसकी शाइनिंग एक्स्ट्रा काम होता है, पर वो पेंटर खुद अपने आप कर देते हैं। ठीक हो गया, ये देखें तो अगर आपने इमरान साहब से काम करवाना है तो इनका नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपकी, वो जो करवाया आपको। और ये देखें डेवो तकरीबन अच्छी गाड़ी है, वैसे यूज़ हमने इसको की हुई ऑलरेडी, तो इसके बनवाने में तकरीबन इतना खर्चा आपको आ जाएगा डेंट पेंट और इलेक्ट्रिकल। और कलर इसका येलो था, येलो तो इसको ये वैसे येलो होती है क्योंकि वो स्कीम में गाड़ियाँ होती है ना। तो ये मैं आपको एक दोबारा दिखा देता हूँ इसको, ये इसका अभी सिर्फ बम्पर का थोड़ा सा काम रह गया है, इसको मैचिंग में करेंगे। और ये गाड़ी की हालत है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है इस कलर में। तो ये था डेवो का रिव्यू, के डेवो के डेंट पेंट पे और उसके इलेक्ट्रिकल काम पे और पोशिंग वगैरह पे और कितना खर्चा आता है। डैशबोर्ड की हालत बहुत ख़राब है, वो भी चेंज होगा, तकरीबन 12 से 15,000 की रेंज में इसका डैशबोर्ड मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में। तो ये तकरीबन आपको इसके काम में तकरीबन एक से डेढ़ लाख में आपको काम हो जाता है। पुरानी गाड़ी है तो ज़्यादा काम बॉडी में होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी में मैकेनिकल भी कोई काम हो, जो गाड़ियाँ ज़्यादातर खड़ी होती हैं या मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं वो उसका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, लेकिन नॉर्मल जो पुरानी ऐसी गाड़ी होती हैं उसमें ज़्यादा खर्चा जो होता है वो डेंट पेंट का, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और पोशिंग वगैरह का, और डैशबोर्ड मतलब जो डेकोरेशन की जो काम होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ पर आपका तकरीबन लाख से डेढ़ लाख का खर्चा आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।